नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। होलिका दहन के पावन पर्व पर आर्य समाज सहारनपुर नागल बधेड़ी द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे ब्लॉक प्रमुख चौधरी विजेंद्र सिंह और यज्ञ के यजमान रहे रोजड़ गुजरात से आए हुए विद्वान करमवीर आर्य। वैदिक मंत्र उच्चारण के द्वारा यज्ञ में आहुति दी गई तथा विश्व में शांति की कामना की गई तथा कोरोना संक्रमण से भी जल्द ही मुक्ति मिले, ऐसी यज्ञ में कामना की गई। आचार्य करमवीर जी ने कहा कि मनुष्य दोषों से भरा पड़ा है, वह अपना आत्मनिरीक्षण करे और शुभ कर्म करे। यदि वह शुभ कर्म करेगा तो उसे सुख मिलेगा। उन्होंने नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसी बुराइयों को त्यागने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वैदिक परंपरा में होली पर्व का बड़ा महत्व है। जब नई फसल जैसे चना, गेहूं घर में आ जाती है तो होलिका दहन में इन फसलों की भी आहुति दी जाती है। उन्होंने बताया कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, जल तथा वायु दोनों शुद्ध हैं, तो हम आरोग्य की ओर बढ़ेंगे। इस दौरान विक्रांत, हिमांशु, सारिका, जगदीप सिंह, संदीप आर्य, कीरत पाल आर्य, जितेंद्र, डॉक्टर महावीर, विपिन आर्य आदि लोग उपस्थित रहे। काल यज्ञ का आयोजन जो आर्य समाज बढ़ेड़ी नागल के द्वारा किया गया, यहाँ पर जो यजमान थे वो परिवार दंपत्ति हमारे साथ हैं। आज जो यज्ञ का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य रहा इसका? देखिए, ये मतलब प्रतिवर्ष की बात ही हम लोग यहाँ होली पर मतलब इसको करते हैं और ये बहुत अच्छी परंपरा है। इससे क्या है कि यहाँ वायु शुद्ध होती है और जहाँ की वायु शुद्ध होती है वहाँ का जल शुद्ध होता है, इसलिए हमारी ये वैदिक परंपरा है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और जो मतलब पुरानी परंपराएं उनको छोड़ करके जो सही नहीं है उनको, ये यज्ञ करना एक बहुत अच्छा दुनिया का श्रेष्ठ कर्म है, तो इसको हमें इस परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रतिवर्ष हम लोग होली पर हवन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आर्य समाज नागल बढ़ेड़ी के द्वारा होलिका पर्व पर यहाँ पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ वो रोजड़ गुजरात से पधारे आचार्य करमवीर जी, जिनके द्वारा ये यज्ञ पूरा कराया गया। जानेंगे क्या उद्देश्य रहा आज यज्ञ जो हमने कराया होलिका उत्सव पर। मैं सभी उपस्थित सज्जनों की ओर से जो होलिका पर्व की आयोजक समिति है उसकी ओर से आपको बताना चाहता हूँ, ये जो होलिका यज्ञ है ये हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है जी। उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है जी। पहले गांव-गांव के अंदर बड़े बड़े विशाल यज्ञ होते थे, जैसे आज होली जलाई जाती है, वास्तव में होली का स्वरूप ये नहीं था। होली का जो स्वरूप था, जो अभी हम ये आप देख रहे हैं सामने, एक बड़ा यज्ञ कुंड बना हुआ है, सब लोग गांव से इसमें आकर के सब ने अपनी आहुति दी, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार घी लाए, सामग्री लाए, समिधाएं लाए। तो इसी प्रकार से जब बड़े बड़े आयोजन होते थे, पूरा गांव मिलकर के होली के दिन इन बड़े आयोजनों करता था, सब लोग बड़ कल्ले की जगह, अर्थात जो गोबर के टुकड़े होते हैं इसकी जगह काष्ठ के, लकड़ी के बड़ के गुल्ले, जो औषधीय समिधाएं हुई करती थी, लकड़ी होती थी, उनको लेकर के आते थे, वो सब मिलकर के समूह में इन यज्ञ को करते थे ताकि वातावरण जो है वो सुगंधित हो सके। इस समय में बसंत ऋतु है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं वो वातावरण में आते हैं जो रोग फैलाते हैं, उन रोगों से दूर होने के लिए यज्ञ एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। और केवल भौतिक प्रदूषण को ही शुद्ध नहीं करता, भौतिक प्रदूषण की निवृत्ति नहीं करता, ये जो मानसिक प्रदूषण है, हम लोगों के अंदर जो बुरी भावनाएं हैं जिसके कारण से आज हमारे घरों के अंदर क्लेश हैं, हमारे अंदर जो सौहार्द प्रेम रहना चाहिए वो नहीं है, उस मानसिक प्रदूषण को भी ये दूर करता है। वेद के मंत्रों के माध्यम से, वेद की ऋचाओं के माध्यम से हम परम पिता परमेश्वर से अपने जीवन के लिए, व्यक्ति समाज के जीवन के लिए, संपूर्ण विश्व की जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए सब सर्वे संतु निरामया, सब रोगी हों, रोग को दूर करके सब क्या है आरोग्य को प्राप्त करो, सब सुखी हों, इसके लिए इन ऐसे यज्ञों का आयोजन किया गया है। वर्तमान में मनुष्य धर्म की परिभाषा चाहता है कि वास्तव में धर्म क्या है। वर्तमान में नहीं, आदि काल से और अनंत काल तक धर्म की एक ही परिभाषा होगी, कहते कि धारणात धर्म है, अर्थात जिसको सब धारण कर सके, धारण हम उसी को करते जो हमें अच्छा लगता है। धर्म अच्छे वातावरण में जीना, सुगंधित वायु सबको मिले, सुगंधित जो है शुद्ध जल सबको मिले जी, ठीक है, इस सुगंधित जल को देना, सुगंधित वायु को देना, ये सबसे बड़ा धर्म है जो कि यज्ञ के माध्यम से हम कर रहे हैं। और ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा अच्छा हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो यज्ञ के माध्यम से, ठीक है। राष्ट्रहित में युवकों से अपील, राष्ट्रहित में युवकों से यही अपील है
कि आज जो संसार के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है वैचारिक प्रदूषण की। और वैचारिक प्रदूषण अर्थात हम अपनी परंपरा से, जो हमारी वैदिक सनातन परंपरा थी, जो विश्व को एक सूत्र में बांधने वाली थी, जो रामकृष्ण की संतति वो परंपराएं थी, वो संस्कार थे, वो दूर हो गए। हम अपने प्राचीन धर्म की ओर, यानी कि अपने राम कृष्ण को हम जीवन के अंदर धारण करें, अपने विचारों के अंदर पवित्रता बढ़ाएं, तभी हमारे युवकों का भी चरित्र निर्माण हो सकता है। अच्छे शास्त्रों का पढ़ना, अपने माता पिता की सेवा करना और अपने स्वास्थ्य का सबसे अधिक ध्यान रखना। आम जन के लिए कोरोना संक्रमण की लहर, जो द्वितीय लहर अभी बनकर आ रही है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? कोरोना संक्रमण की जो दूसरा ये चरण अभी देखने को मिल रहा है, बहुत सारे दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव जो रोगी है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, जो आज हमारा आयुष विभाग अर्थात कहीं की स्वास्थ्य विभाग है जी, सरकार के माध्यम से जो हम लोगों को सूचनाएं दे रहा है, हम दूरी बना करके रखें, मास्क आदि का प्रयोग करें, घर में सावधानी से रहें। और इसमें हम अपनी तरफ से ये बात अवश्य रूप से कहना चाहेंगे कि हम इस कोरोना पर बहुत बड़ी विजय पा सकते हैं यदि हम इन अपने जो वैदिक कर्म है यज्ञ आदि को करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो भौतिक कोरोना है वो भी दूर होगा और जो हमारे मन का कोरोना है वो अपने मन का कोरोना भी दूर होगा। तो मेरा सब लोगों से आज इस यज्ञ के माध्यम से, इस आयोजन में यही निवेदन है कि अधिक से अधिक सरकार के द्वारा जो बनाए हुए नियम है उनका पालन करें और समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पर अपील की गई कि क्या धर्म की परिभाषा है, हम वो कार्य करें जो समाज के लिए अच्छे हैं, हमारे परिवार के लिए अच्छे हैं, हम वो कार्य करें जिनसे राष्ट्रहित का निर्माण हो सके, एक नए भारतवर्ष का निर्माण इनके द्वारा किया जा सके। साथ ही अपील की गई कि जो द्वितीय लहर है कोरोना की, उसमें भी सभी लोग सरकार के दिशा निर्देश को माने, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा।